बच्चों अब हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि के एक केमिकल रिएक्शन के दरमियान जब दो स्पीशीज़ आपस में केमिकली कंबाइन हुई तो कौन सी स्पीशी ने एसिड का किरदार अदा किया कौन सी स्पीशी बेस बनी सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जाम्पल इन विच वी विल क्लेरीफाई लुइस एसिड्स एंड बेस एक पॉइंट आपको बता दूँ दर हकीकत लुइस का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था कॉर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये कॉर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है दरहकीकत वो लुइस का कॉन्सेप्ट है अबाउट एसिड्स एंड बेसिस इसी को ही हम डिस्कस कर रहे हैं एग्ज़ाम्पल वी आर डिस्कसिंग द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राई फ्लोराइड ये हमने नाइन्थ में भी डिस्कस किया था अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम क्लियर करेंगे लुइस के कॉन्सेप्ट को द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राई फ्लोराइड वेन अमोनिया रिएक्ट विद बोरॉन ट्राई फ्लोराइड इट फॉर्म्स क्वाडिनेट कोवलेंट बॉन्ड जब अमोनिया बोरॉन ट्राई फ्लोराइड से रिएक्ट करता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है क्वाडिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इस क्वारडिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यानी एसिड बेस की एग्जाम्पल विच इज़ बिटवीन द अमोनिया एंड बोरॉन ट्राई फ्लोराइड इसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ये देखें ये है बोरॉन ट्राई फ्लोराइड बी एफ थ्री बोरॉन का बच्चों एटॉमिक नंबर होता है फाइव यानी वेलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं थ्री फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन है सेकंड में थ्री है तो ये थ्री सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फ्लोरीन के एटम्स के साथ बनाता है ये आप जो डॉट और क्रॉस देख रहे हैं ये दर हकीकत इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय बायस स्ट्रक्चर ये लुइस स्ट्रक्चर डायाग्राम कहलाती है बोरॉन ट्राई फ्लोर अब आप देखें बोरॉन के वेलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है टू फोर सिक्स इन ऑर्डर टू कम्प्लीट इट्स ऑकट दो इलेक्ट्रॉन इसकी ज़रूरत है अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स तो द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया अमोनिया के मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम कौन सा है नाइट्रोजन है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है सेवन फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं टू सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं फाइव तो अब आप देखें इसने थ्री सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बाड थ्री हाइड्रोजन के साथ बनाए टू फोर सिक्स एट एट इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं अब ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरोन को डोनेट कर देगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इन टू द वट इज़ दिस इट इज़ कॉल्ड अ लुइस बेस वाइल बोरॉन ट्राई फ्लोराइड इज अ लुइस इज इट एल स्टैंड फॉर लुइस अब नाइट्रोजन के पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसे ये डोनेट कर देगा डोनर टू एक्सेप्टर तो डोनर कौन होता है बेस एक्सेप्टर कौन होता है एसिड और इसके नतीजे में ये एरोहेड इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर तो हमें क्या मिल गया हमें ये प्रोडक्ट मिल गई इसे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है बोरोन को तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट हमें हासिल हुई व्हाट इज़ दिस प्रोडक्ट कॉल्ड दिस प्रोडक्ट एज़ वी नो दैट इट इज़ कॉल्ड एन एडक्ट वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उस पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आता है जैसा कि नाइट्रोजन पर आया है और वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है उस पर पार्शल नेगेटिव चार्ज आता है तो अभी हमने देखा अमोनिया Uh, जो है इस एग्ज़ाम्पल में वो क्या है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एक्ट एज अ लुइस बेस वाइल बोरॉन ट्राई फ्लोराइड इज़ अ इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर सो इट फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेंट बॉन्ड एज अ डोनर एंड एक्सेप्टर डोनर इज द बेस एंड एक्सेप्टर इज द एसिड द प्रोडक्ट फॉर्म दैट इज़ कॉल्ड एन एडक्ट ये बच्चों जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा हुआ है ना ये उसी को हम रिवाइज़ करें इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह देखें फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं